हेलो सभी लोग सुन पा रहे हैं? कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। क्या मैं सभी को दिखाई दे पा रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? हेलो, ऑन लाइव चैट विजिबल। ओके, हेलो हेलो सचिन, आवाज जा पा रहा है? गुड गुड, यस सर, वेरी गुड। वेट कर रहे थे सर। ओके ओके, गुड गुड गुड। आप लोगों ने हमें ये प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका तहे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एक्चुअली में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। कोई बात नहीं, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। निशान सिंह भी जुड़े हुए हैं, अजीत वर्मा, और बहुत अच्छा। अभिषेक, क्लियर नहीं आ रहा है सर आवाज। वाओ, आवाज का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, आवाज एकदम बढ़िया होगा, आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आवाज का सर, आप स्कूल का आइएगा। ओके बदल बालक, देखिए मैं स्कूल आऊं या ना आऊं, मैं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपके साथ हूँ, बस ये प्यार बना रहे। मैं इस प्लेटफॉर्म पे 10 क्लास का जो सिलेबस है, लाइफ प्रोसेस, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आप हमसे यहाँ पे जुड़े रहिए। मेरे को थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, और कोचिंग के क्लासेस के जो बैचेस हैं बहुत अधिक बैचेस हैं, इस वजह से मैं आपके स्कूल्स नहीं आ पा रहा। कोई बात नहीं, मैं आज इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जितने लोग भी हमें देख पा रहे हैं, आप सब से एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें लाइक करके हमें सहयोग करें, और अपने चैनल, आपका ये अपना चैनल है रवि बायोलॉजी क्लासेस, इसको आप प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। चलिए, आपका लाइक हमारे लिए एटीपी का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। जिस तरीके से एटीपी एनर्जी देता है, उस तरीके से आपका लाइक, आपका सब्सक्राइबर्स, आप कमेंट्स हमें बहुत ही एनर्जी देता है। तो मैं उन सभी श्रोताओं का, मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया और इसे योग्य बनाया। और मैं आज अपने गुरुओं के चरणों में सादर नमन करके मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, माइंड ब्लोइंग तरीके से, बड़ा ही झकास तरीके से। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आज के शेड्यूल में ऐड किया था, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एज अ पर्पस ऑफ 12th। और 10 का जो क्लास है रिप्रोडक्शन, वहां भी जो 10 के जो बच्चे अटेंड किए हुए हैं, वहां उनको रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ना है, वहां पे दोनों फायदा हो जाएगा। 12th के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा, और ये 10 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ वैसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, जीएनएम और नीट इंस्पायरेंट हैं। सारे लोग के लिए आज का लेक्चर बड़े ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर में मैं ज्यादा समय ना व्यस्त करते हुए इस लेक्चर को आगे मैं बढ़ाता हूँ, इसमें आप लोग बातों को ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग आगे बातें करेंगे। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये सारे ऑर्गेनिज्म ये चाहते हैं कि उनका अस्तित्व, उनका वजूद, उनका जो स्पीशीज है, ये धरती पर बना रहे, कायम रहे, यानी कि वो अपने आप को इस अर्थ पर मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। बहुत अच्छा, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, और इसमें मैं आगे बड़ा ही अच्छे तरीके से बातों को रखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा।
तो रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले बात ये जानना होगा। उससे पहले एक छोटा सा टर्म आता है एनसीईआरटी का, है तो छोटा लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखी हुई है, तो मैं उस टर्म को लिखता हूं और सारे लोग इस टर्म को जानते होंगे, लाइफ स्पैन। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। तो ये लाइफ स्पैन क्या होता है इस पे थोड़ी सी मैं बातें कर लेता हूं। इसको मैं हिंदी में बोल लूं तो इसको बोलेंगे आप लोग जीवन काल। क्या बोल देंगे, जीवन काल, यानी कि जिंदगी का जो समय है, ये जिंदगी का जो सफर है, ये सफर चलता ही रहेगा, और इस सफर को बनाए रखने में जो इंपॉर्टेंट टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन। ये मेरे स्टाइल में था, बट एनसीईआरटी के स्टाइल में मैं बोलने जा रहा हूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बर्थ लेता है, जब जन्म होता है उसका, तो जन्म से कहां तक चलेंगे बच्चों, तो नेचुरल डेथ तक, नेचुरल डेथ तक। अगर मैं जन्म से नेचुरल डेथ तक का मैं बात करूं, जन्म जिस दिन उसका जन्म हुआ है और जब उसका प्राकृतिक मौत हो जाएगा, नेचुरल डेथ हो जाएगा, तो उस समय तक का जो समय है वो समय क्या चलेगा, तो वो कहलाएगा लाइफ स्पैन, जीवन काल। एज एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो वो बच्चा अननेचुरली उसकी डेथ होनी चाहिए प्राकृतिक तरीके से, ये नहीं कुइयां जाके कूद गया, बाहर है वह कुइयां में कूद गया, पगला दीवाना लड़का कहाँ है, ना जाके ट्रेन के पटरी पर सूत गया, ट्रेन आया उड़ के भाग गया, ना 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 मरेंगे नहीं भाई। तो कहने का मतलब है कि सुसाइडल अटेम्प्ट है ना, बिजली के झटके से सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, या कोई भी तरह का एक्सीडेंटल मौत हो गया, तो उसके बीच के टाइमिंग को हम लाइफ स्पैन नहीं करते हैं। ये एनसीईआरटी साफ साफ करता है कि लाइफ स्पैन क्या है, तो आप लोग जान जाइए कहां से, वर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो समय है वही समय क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन। यानी कि जब से आप जन्म लिए हैं, जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आ जाता, तब तक आप इस धरती पे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मतलब इस धरती पे आप अपने आप को बनाए रखें, कायम रखें, अपने वजूद को मेंटेन रखें, कहां से कहां तक, तो बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को आप क्या कह दीजिएगा, जीवन काल। जो लोग हिंदी मीडियम में होंगे इस वीडियो को रोक करके डिफिनेशन को कॉपी में नोट कर सकते हैं, आप इस लेक्चर को बाद में भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बातों को नोट्स करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर गलती से लिखना रहे कि लाइफ स्पैन क्या है, तो लिख दीजिएगा कि द टाइम पीरियड बिटवीन, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ द एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ लाइफ स्पैन। हिंदी में बोलता हूं थोड़ा सा सुन लीजिए, जन्म से कहां से, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय अवधि है वो समय अवधि, वो समय कहलाता है जीवन काल। एक बात मैं आप बता दूं प्यारे बच्चों, ये जीवन काल छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, मोटा मत बोलने गलती से, ठीक है ना। यानी जीवन काल छोटा समय के लिए बहुत ही स्मॉल और बहुत ही लार्ज। कुछ लोग तो हैं कि अपनी जिंदगी एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं, वन डे, एक दिन में ही अपने जीवन की सारी खुशियां को वो बटोर लेते हैं, उनका नाम है मे फलाई। एक प्रकार का यह मक्खी है जिसको आप मगहिया भाषा में अगर कह लें तो खेतों पे लाही गिर जाता है, खेतों में छोटा सा एक कीड़ा होता है जो एक ही दिन में अपने लाइफ को मेंटेन कर लेता है, अपने लाइफ के जीवन की सारी स्किल्स को कंप्लीट कर लेता है। अगर मैं बात करूं तो अगर वो सुबह सुबह पैदा हुआ है तो दोपहर होते होते जवान भी हो जाएगा, शाम होते होते रिप्रोडक्शन भी कर लेगा, रात के 12 बजते बजते बूढ़ा भी हो जाएगा, और सवेरे होते होते टिकट फिनिश। कहने का मतलब है बच्चा,
वो अपने लाइफ का एक एक स्टेज को 24 आवर्स में ही कंप्लीट कर चुका है। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है उसका लाइफ स्पैन। तो जे एक ही दिन में वो अपने सारे स्टेज को पूरा कर लिया, तो मे फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना हो गया, एक दिन। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सैकड़ों साल, 100 वर्ष से भी अधिक, कुछ तो हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। अरे बाबा रे, तो हजारों साल तक जिंदे रहने वाले बैक्टीरिया का नेचुरल डेथ क्यों नहीं होता? सर बड़े बढ़िया सवाल पूछ दिया जी कि बैक्टीरिया का नेचुरल डेथ क्यों नहीं होता। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स है और उसका जो सेल है ना वो उसका डीएनए ही है, तो मर भी जाएगा तो उसका डीएनए इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, फिर से न्यू बैक्टीरिया बना देगा। ओके ना, तो खैर कोई बात नहीं, आगे सुनिए। तो एक ही दिन का इसका लाइफ स्पैन है। अभी जो मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं, एक प्लांट है जिसका नाम है शेकुआ। क्या नाम है बच्चों? शेकुआ। ये जो शेकुआ नाम का जो प्लांट है, इस प्लांट की मैं अगर तारीफ करूं कितना भी तो कम है, क्योंकि इस प्लांट में बहुत 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 दम है। ये 3000 साल से 4000 साल तक जिंदा रह लेता है। इसका जो लाइफ स्पैन है 3000 to 4000 ईयर। ओ माय गॉड, सोच लो 20-25 पीढ़ी निकाल देगा। अगर आप 100 साल जिंदा रहते हैं तो 40 जनरेशन आपका ये कंप्लीट कर देगा, 40 पीढ़ी तक ये पेड़ रहेगा। अब आप सोचते रहिएगा कि अरे इतना सारा बड़ा विशाल पेड़ है, तो 40 पीढ़ियां आपकी निकल जाएगी फिर भी ये अपने धरती पर कायम रहेगा। तो ये जो क्लास है ना, सिर्फ क्लास ही नहीं, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी लेके आता है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि लाइफ स्पैन सेफ साइड पर डिपेंड करता है या नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि लाइफ स्पैन सेफ साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये करता है? तो यस, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता है सेफ साइज पर डिपेंड। बोले तो कैसे? जैसे स्पैरो, स्पैरो एक छोटी सी चिड़िया है, उसका मैटर अलग। मैं दो चिड़ियों का कंपेयर करके आप लोग सुना देता हूं। एक है पैरट, एक है क्रो। अगर मैं पैरट की बात करूं, तोता की बात करूं, तो वो 140 ईयर तक, पैरट जो है वो कितने साल तक जिंदा रहता है? 140 ईयर, 140 साल तक। अगर मैं वही क्रो की बात करूं तो ओनली 15 ईयर, मात्र 15 साल का जीवन है। तो ओनली 15 ईयर ही वो अपने आप को, अपने लाइफ को सरवाइव कर पाता है। वो अपने आप अपने लाइफ को क्या कर पाता है बोले तो, वो अपने लाइफ को जी पाता है। तो मात्र 15 साल में ही जिंदगी पूरा कर लिया और इसने 140 साल तक जिंदगी में लगा दिया। मतलब तोता और कौवा, यानी कि अगर मैं बात करूं पैरेट और क्रो का, तो दोनों का लाइफ स्पैन लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए, लेकिन कोई एंगल से इक्वल नहीं है। साइज दोनों का इक्वल है, थोड़ा थोड़ा डिसेंट है, बट दोनों का लाइफ स्पैन क्या है बच्चों? डिफरेंट है। इसलिए नहीं कहते हैं जाग जाओ और ये बात को जान लो कि लाइफ स्पैन कभी भी सेम साइज पर, छोटा और बड़ा पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एक नेचुरल डेथ चाहिए। जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं होगा तब तक वो जो है वो सरवाइव करेगा ही करेगा। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसके लाइफ स्पैन है एनसीईआरटी उसको देता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइफ स्पैन है उसको आप लोग हो सके तो अपने माइंड में रखिए, दिमाग में जरूर रखिए। ओके ना, बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, आगे सुनाओ। मैं आगे, ये तो कंप्लीट हो गई आपको बातों को कि लाइफ स्पैन क्या है। तो बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब तो बच्चा गलती से लेता सर, पैदा हुए से मरे तक के जो समय है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। बारे बार बचपा गलती हो गया रे,
बर्थ टू नेचुरल डेथ, जब से वो जन्म लिया है जब तक उसकी मौत प्राकृतिक मौत नहीं हो जाएगी तब तक उसे हम क्या कहेंगे, और उसकी मौत प्राकृतिक मौत होगी तो उसे कहेंगे नेचुरल डेथ। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो दो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बता दिया कि लाइफ स्पैन जो है ना तो छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का वो लाइफ स्पैन डिफर होता है और लाइफ स्पैन कभी भी सेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फ्रॉम बीएनएस स्कूल सोप, वाओ, अरे वाह, बीएनएस स्कूल सोप से भी लोग जुड़े हुए हैं और ज्ञान स्थली भरेजा से और डीनी एकेडमी चाकन से और माइंड जोन अशोक नगर से और कहां से लोग जुड़े हुए हैं, ओ माय गॉड, इतने सारे लोग, सर घाटी से भी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, एक कमेंट आया है अशोक नगर, ओके ओके, गुड गुड गुड। और एक जो कमेंट आ रहा है औरंगाबाद डेहरी ऑन सोन, ओहो, वहां से भी लोग जुड़े हुए, आप लोग का बहुत अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये प्यार दिया है और अच्छा लगा। देखिए ध्यान से बातों को, बहुत बढ़िया। लाइफ स्पैन में दो तीन बात और बोलकर इसको मैं खत्म कर देता हूँ फटाक से। लाइफ स्पैन में पहला बात आगे कि नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। बस सिंपल सा बात, लाइफ स्पैन कभी भी सेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पैन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, दैट इज फिनेस। नेक्स्ट पॉइंट मैं आगे बढ़ता हूँ रिप्रोडक्शन पे, है ना, रिप्रोडक्शन। लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आता है, लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आता है जब बात होती है रिप्रोडक्शन की। तो बच्चा लोग दिमाग में एक बात डाल लो, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये वैसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस द्वारा आप अपने लाइफ को मेंटेन रखते हैं। तो अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को आप क्या कह सकते हैं, लाइफ प्रोसेस, जो क्लास 10 बात इस बात को रखता है, ओके ना। तो रिप्रोडक्शन एक प्रकार का क्या रहा है, लाइफ प्रोसेस, जो अपनी ही स्पीशीज को, अपनी ही जाति को जेनरेशन टू जेनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान टू खानदान क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो अपनी स्पीशीज को जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रख करके अपने वंश को, अपनी जाति को बढ़ाने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है लाइफ स्पीड, ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। अगर मैं रिप्रोडक्शन का परिभाषा दूं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बड़ा ही इजी लैंग्वेज में, द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द न्यू यंग वन एंड मेंटेन देयर स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन। दिस टाइप ऑफ फेनोमेना या दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आई कैन से दैट हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान में भी लोग रहते हैं, उनको हिंदी भी समझ में आना चाहिए। तो कोई भी जीव, धरती का कोई भी जीव हो जाए, आपको या हमें, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी जीव अपने ही जैसा अगर नया संतान बनाता हो और नया संतान बना करके अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन रखता हो, तो यह प्रक्रिया जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी जीव अपने ही जैसा नया संतान उत्पन्न करके अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी अगर मेंटेन रखता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम ही पूछें या ना पूछें, लेकिन एग्जाम में ये सवाल आता है, क्या बोले सर करदान। तो साहिबान करदान आज इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि हम पूछें या ना पूछें, लेकिन एग्जामिनेशन में ये पूछेगा कि जनन जनन रिप्रोडक्शन क्यों क्यों जरूरी है, तो आपको जवाब देना होगा।
रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन की क्यों आवश्यकता है, why to need the produce a new young one, आप कैसे न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, क्यों जरूरी है कि रिप्रोडक्शन करना पड़ा, है ना। तो ये सवाल आता है कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, why, क्यों आवश्यक है रिप्रोडक्शन, क्यों जनन है रिप्रोडक्शन, इसकी मैं एक नहीं दो नहीं मैं पूरे 5 बातें बताने जा रहा हूं जो आज इस YouTube के इतिहास में बदलने वाला है। और आप इस 5 बातों को अगर एग्जामिनेशन में लिख देते हैं तो किसी एग्जामिनर को औकात नहीं है कि आपके इस बात को काट सकता है। तो याद रखिए आज जो मैं जो 5 बात बताने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, हम मंटू, ओके 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 मंटू बाबू, थैंक यू आप भी ज्वाइन किया। अरे वाह वर्षा भी हो रहा है, वर्षा का भी मजा ले रहे हैं, माय गॉड वेरी गुड, लाजवाब। जो लोग जुड़े हुए हैं वो पर्सनली शेयर कर लें और साथ ही मेरे इस लाइव टेलीकास्ट को लाइक कर दें, दोनों तरफ से मजा है, आप भी मजे में हैं हम भी मजे में हैं। आईपीएल के साथ क्लास भी कर रहे हैं सर, ओ माय गॉड कौन तो है मजा ले रहा है, विलेज बॉय आईपीएल के साथ क्लास का ही मजा ले रहा है। चलो देखते हैं इसी तरह से हम लोग मजा लेते रहें और आगे बढ़ते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बड़ा अच्छा बात, तो पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो उसके जवाब को मैं देने जा रहा हूं। पहला बात यह है कि रिप्रोडक्शन से हमारा स्पीशीज, स्पीशीज बोले तो जाति, हमारा जाति इस धरती पर मेंटेन रहता है। तो सबसे पहला जवाब आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि मानव का जाति इस धरती पर या कोई भी जीव का स्पीशीज जाति इस धरती पर बना रहे। तो जाति को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है जनाब, जाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है हमारे दादा परदादा छरदादा लकड़दादा फकड़दादा कोई भी थे, अगर उन्होंने अपने ही जैसे न्यू यंग वन नहीं बनाए होते, न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं बनाए होते, न्यू प्रोजेनी नहीं बनाए होते, तो क्या ये जनरेशन टू जनरेशन वाला फैक्टर आज रवि सर तक पहुंच पाता, नहीं ना। तो रवि सर को बनाने वाले एक प्रोसेस है, वो क्या है रिप्रोडक्शन, मतलब हमको हमारे बाबूजी ने बनाया, बाबूजी को दादा ने बनाया, दादा को परदादा ने, परदादा को छरदादा ने, छरदादा को लकड़दादा ने, लकड़दादा को फकड़दादा ने। कहने का मतलब ये है मेरे जनाब कि जातियां जो स्पीशीज जो है ना जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन, जैसे आज आप आम खा रहे सब आम हड़ताल पर बोले ना हम ना रिप्रोडक्शन करेंगे, बोले आए यार तो रिप्रोडक्शन ना करेगा तो भारी समस्या ना हो जाएगा, अगला पीढ़ी को आम कैसे मिलेगा, बोले ओहो मतलब न्यू जनरेशन के लिए आम भी मेंटेन रहे। तो आम अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखने के लिए वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सिंपल। तो पहला बात समझ में आ गई, दूसरा बात नो बकवास आज चलेगा झकास झकास झकास। तो सुन लीजिए दूसरा बात है इस धरती पर इस अर्थ पर ये मेरा इकलौता अर्थ है जहां पूरे लोग कायनात के लोग इस धरती पर रहना चाहते हैं क्योंकि यही तो स्वर्ग है। कोई कह देता है कि स्वर्ग अलग है, बोले ना 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 धरती पे स्वर्ग चचा कैसे, अगर धरती पे आपको शांति मिल रहा है सुकून मिल रहा है सही से खा पी रहे हैं नींद अच्छा से आ रहा है मतलब आप स्वर्ग में हैं। अब चले गए कहीं दूसरा जगह नींद ना आ रहा है हाय पापा हाय भैया, तो वो स्वर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो स्वर्ग इसी में है कि आप इस धरती पे अच्छा से सरवाइव कर रहे हैं सही से सांस ले रहे हैं यही तो आपके लिए स्वैग है। मतलब मैं कह दूं कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है जनाब, तो आप हैं झकास बता दीजिए। लाइफ को मेंटेन रखने के लिए सबसे जरूरी है क्या चीज, रिप्रोडक्शन। खाना पीना अचाना वो तो मैटर अलग है लेकिन अपना खानदान कैसे चलेगा तो उसके लिए बड़ी जरूरी है क्या जनाब, रिप्रोडक्शन। चलिए दो बातें हो गई है, मैंने कहा था ना आपको आज कि मैं 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो YouTube के इतिहास में एक
महाक्रांति लाने वाला है, जो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा कि जनन क्यों आवश्यक है। तो पहला बात, स्पीशीज को धरती पर बनाए रखने के लिए, दूसरा अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए भी जरूरी है रिप्रोडक्शन, और तीसरी मैं अगर बात करूं तो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या लाया जा सकता है, इवोल्यूशन, बोले तो चेंज। क्या लाया जा सकता है? चेंज यानी कि परिवर्तन लाया जा सकता है। आज देखिए, कल के लोग कहाँ थे, गुरुकुल में पढ़े जाया करते थे, आज बचवा ऑनलाइन पढ़ ले रहा है, वाह क्या बात है। मतलब कि बात इतना आगे बढ़ चुका है कि पहले आप हमको कहाँ देखते थे, तो पहले मिलते थे कोचिंग में, स्कूल में, अब रातिया के घरे बैठल बैठल पढ़ रहे बा। तो एक पीछे के कारण का है, चेंज। इस साइंस की टेक्नोलॉजी ने आपको हमारे पास लाया और हमें आपके पास लाया। ये इस यूट्यूब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें आपसे मिलाया और आपको हमसे मिलाया, तो बड़े ही अच्छी बात। तो इवोल्यूशन लाने के लिए आज ये इवोल्यूशन ही आ रही है, कार्यांति ही आ रही है। जो मानव, जो जीव सोचता था क्या होगा, आज तो बेटा करके दिखा दिया रे, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लेक्चर को देखा, बड़ा अच्छा बात। तो चौथी बात हो गई, इवोल्यूशन लाने में रिप्रोडक्शन बड़ा जरूरी करता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि हमारा जीन जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन है, यानी जीन पूल को, हिंदी अगर मैं लिख दूं तो जीन कोष, क्या लिख सकता हूं, जीन कोष, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन अपनी जीन को मेंटेन रखा जा सकता है, तो कोई और नहीं है जनाब, वो क्या है, इवोल्यूशन का मतलब नहीं समझ में आया सर, ओके, मैं इवोल्यूशन का मतलब समझा रहा हूँ, पर बड़ा आसान बात है, चला इवोल्यूशन मतलब चेंज, परिवर्तन। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि पहले के जो जीव थे उनमें कुछ अलग परिवर्तन था, और आज के जो जीव है उनमें अलग परिवर्तन है। जैसे सिंपली देख लीजिए, आज का मानव शर्ट पैंट पहन के मोबाइल से बतिया के चल ले रहा है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले नोकिया के कीपैड फोन में मोबाइल खेलते थे, है ना, गेम खेलते थे, अब 20 साल पहले चले तो मानव का अलग इवोल्यूशन था। और अगर 100 साल, 200, 500, 1000, 2 करोड़ साल पहले चले, जंगल में घुमा करते थे बिना शर्ट पैंट के, तो बिना शर्ट पैंट से शर्ट पैंट तक आ गए हैं, ये बातिया क्या है, इवोल्यूशन न है जी। तो ऐसा तभी न हुआ जब जीन में परिवर्तन होते गया, गुणों में परिवर्तन होते गया, और गुण में परिवर्तन तभी होता गया जब आपने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, वेरी गुड। तो जीन पूल को, जैसे हमारे अंदर 50 जीन है और हमारे बाबूजी में से भी जीन आया है, तो ये जीन जो है ना जनरेशन टू जनरेशन एक्युमुलेट होते जाता है, जमा होते जाता है, तो जीन का एक्युमुलेशन क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। ओह माय गॉड, तो जीन पूल इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोले तो रिप्रोडक्शन, इसको मेंटेन करके रखता है। और दूसरी बात, अगर जनसंख्या बढ़ाना है, हाय मेरे पास जनसंख्या बढ़ाना है, तो जनसंख्या विस्फोट में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन, कौन सा स्टेशन नाम है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, आबादी को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेवार है जनाब, तो कोई और नहीं, रिप्रोडक्शन जिम्मेवार है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में, आपके इम्यूनिटी में, आपके सोचने में। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था, इसको आप 4 नहीं बल्कि 5 को याद रखें। और मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ आज के इस लाइव क्लास में, कि जो एनसीईआरटी में
ऑर्गेनिज्म है उन सभी का लाइफ स्पैन क्या है उसको आप चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 12, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है फोटो बना हुआ है हाथी का, ओके ना, तो सभी जीवों के नाम और उसके लाइफ स्पैन को आप चैट बॉक्स में 1 घंटा में टाइप करके भेजें या 2 घंटा में, ये आपका वर्क है, ये करके भेजना है, बाकी लोग आपके कमेंट पढ़ के सीख जाएंगे कि क्या बात है सर, ये तो बात बड़ा झकास है सर, गुड। तो रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा आज कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो उसमें आपने देख लिया 5 बातें, स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इवोल्यूशन लाने के लिए, जीन पूल को मेंटेन करने के लिए और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ वेरिएशन बोले तो विभिन्नता, वेरिएशन बोले तो डेविएशन, वेरिएशन बोले तो डिफरेंसेस उसके ऑफस्प्रिंग में लाने के लिए। चलिए 20 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, आज का सेशन कैसा रहा थोड़ा सा मैं चेक बॉक्स पे नजर डाल लेता हूँ और इस सेशन को मैं यहीं पे थमूंगा, रोकूंगा और फिर आगे फिर अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा। कल के लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था 5 टाइप के स्टडी, कार्डियोलॉजी, रिनोलॉजी, हेपेटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं लॉजी से रिलेटेड। आज कैसा रहा? बहुत अच्छा, ठीक लगा सर जी, मैडम बढ़िया बात, बहुत अच्छा नीतीश कुमार, आपने हमें कमेंट करके रिप्लाई किया, गुड सर, अभिजीत कुमार का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इस सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूँ, आप लोग को हमारे दिल से तहे तहे शुक्रिया जिन्होंने इस लेक्चर को सुना, और जो इस चैनल पे नए हैं वो हमें प्यार दे सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को रोकता हूँ, जय हिंद जय भारत।